खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। जश्न 200 करोड़ का, कचरा फैलाया 250 टन का। कहते हैं अमीर और वीवीआईपी लोग जो होते हैं वो साफ सफाई का बड़ा ख्याल रखते हैं, लेकिन उत्तराखंड के औली में गुप्ता बंधुओं के घर में शादी में जनता को क्या मिला पता है? कचरा। उत्तराखंड का छोटा सा हिल स्टेशन जिसकी खूबसूरती दुनिया भर के पर्यटकों को लुभाती है, लेकिन यही अद्भुत औली इन दिनों बदरंग है। औली की इस बदहाली के लिए दक्षिण अफ्रीका के एनआरआई उद्योगपति गुप्ता ब्रदर्स को जिम्मेदार माना जा रहा है, जिन्होंने अपने दो बेटों की शादी का शाही समारोह 4 दिन तक औली में किया, भव्य सेट लगवाए, एक से बढ़कर एक लग्जरी इंतजाम किए। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियों से लेकर विदेशी मेहमान बुलाए गए, बॉलीवुड स्टार्स आए। अपनी दौलत की ताकत और रसूख गुप्ता ब्रदर्स ने खूब दिखाया, लेकिन 200 करोड़ रुपए खर्च कर गुप्ता जी जब यहां से विदा हुए तो 250 टन कूड़ा और गंदगी औली में छोड़ गए, और इसे साफ करने के लिए धनपति गुप्ता जी यूजर फीस के तौर पर जोशीमठ की नगर पालिका को सिर्फ 54,000 रुपए दे गए हैं। हमारे कर्मचारी लगातार वहाँ पर लगे हुए हैं, अभी भी 2-3 दिन सफाई अभियान चलेगा। 18 दिन का लगभग 30 तारीख तक 18 दिन का हमारा भुगतान 54,000 समथिंग होता है, सिर्फ यूजर चार्ज का भुगतान बता रहा हूँ आपको। जैसे ही हमारा कार्य संपूर्ण हो जाएगा उसका हम 1 दिन को बिल बनाकर भेजेंगे। शाही शादी से जुड़ा ये मामला अब हाईकोर्ट में है और कोर्ट इसको लेकर सख्त हो चला है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने शादी के दौरान फैले कचरे की वजह से पर्यावरण को हुए नुकसान को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है। अब चमोली जिले की डीएम 7 जुलाई तक अपनी ये रिपोर्ट हाईकोर्ट में सौंपेंगी और 8 जुलाई को इस मामले को लेकर सुनवाई होगी।